चेन्नई के बारे में पढ़ते हैं। यह एक कृत्रिम बंदर का है। कृत्रिम मतलब समझ रहे हैं ना? बिल्कुल, यानी कि उसको क्या है, मानव द्वारा निर्मित। जबकि हमने उसके बारे में पढ़ा था मुंबई के बारे में, वो कौन सा था आपका? नेचुरल। यह दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। समझ पा रहे भाई? यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था कि पहला कौन सा था, मुंबई था। अगर दूसरे की बात करें तो चेन्नई हो गया। अगर मैं चेन्नई के बाद में मैंने बताया कि सबसे छोटा कौन सा था, गोवा था। अब जिस प्रकार से हमने पढ़ा था कि जो मुंबई आपका बंदरगाह है वो क्या है, आपका भारत का प्रवेश द्वार, इसी प्रकार से यहाँ पर पढ़ेंगे हम दक्षिण भारत की बात की जाती है, दक्षिण भारत का जो प्रवेश द्वार है वो कौन सा है? कौन सा है? चेन्नई है। अब यहाँ से भी क्या किया जाता है, कई सारा व्यापार किया जाता है, जैसे कि कपड़ा उद्योग भी हो गया, जैसे सूती वस्त्र, सीमेंट आदि। कोई फिक्स नहीं है कि यहाँ से यही व्यापार किया जाएगा, लेकिन अधिकता की बात की जाती है, ये यहाँ से क्या किया जाता है, व्यापार किया जाता है। अब यहाँ पर भी इसकी मदद के लिए एक और बंदरगाह है, कौन सा? एनोर। कौन सा एयरपोर्ट, बहुत सारे पोर्ट्स है एनोर, क्योंकि हमें तीन पढ़ने कहाँ पर? तमिलनाडु में। दो हो गए इसमें, एक तो चेन्नई वाला हो गया, चेन्नई की क्या क्या विशेषता है, यह एक आर्टिफिशियल है, और दूसरा इसका सबसे बड़ा बंदरगाह किसके बाद में? मुंबई के बाद में सेकंड वाला, ठीक है, फर्स्ट में मुंबई आ जाएगा। दक्षिण भारत का जो प्रवेश द्वार है वो किसे कहा जाता है? चेन्नई बंदरगाह को। और यहाँ पर सूती वस्त्र, सीमेंट और एक्स्ट्रा इसमें ईटीसी क्या है, ट्रेड किया जाता है, आयात निर्यात किया जाता है। अब इसकी भी मदद के लिए, क्योंकि इस पे भी क्या है, आयात निर्यात अधिक हो रहा है। अब जैसे कि मुंबई की बात करें, मुंबई पे कौन सा बताया था मैंने आपके लिए मदद के लिए? नावा सेवा, यानी कि वो किसकी मदद के लिए था? मुंबई पोर्ट्स के लिए। इसी प्रकार से हम बात कर रहे हैं चेन्नई पोर्ट्स के लिए, व्यापार के लिए कौन सा है? एनो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर समझ में अभी सभी को? अब हमने एक और लिखे इसमें, तूतीकोरन। तूतीकोरन है ना? तूतीकोरन ये क्या है? हेमंत भैया सही बता रहे हो, उस समय कि हमने पढ़ा था कि पश्चिम वाले में बात कर रहे थे, सबसे कौन सा नीचे? पश्चिम कोची। हाँ नहीं, जैसे कि हम बात कर तमिलनाडु, ये पास पास नहीं है, मतलब इसकी मदद के लिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पर ही आपका चेन्नई बना हुआ इसकी पास में बना दिया हो, ऐसा नहीं है ना। अब हम बात करें तूतीकोरन की, तो इसमें क्या है, मैंने बताया आपको, जैसे कि उस समय हमने पढ़ा था पश्चिम में, पश्चिम में कौन सा था? कोची था, है ना। लेकिन अब हम बात करें यहाँ पर पूरब की, तो पूरब में कौन सा है? यह पूर्व, सॉरी इससे पहले लिखे दक्षिण पूर्व का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह है। बस इतना से याद रख लेना, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है ना इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट लिखेंगे हम विशाखापट्टनम। कौन सा है? विशाखापट्टनम। अब विशाखापट्टनम किस स्टेट में आ जाएगा? हाँ जी, ले लीजिए। कितने नंबर का है ये?
नहीं, चेन्नई चौथा, यानी कि पूर्व वाले में चौथे नंबर का आ जाएगा विशाखापट्टनम। ठीक है भाई, जो विशाखापट्टनम की जो बात की जाती है, मैंने बताया था ये किस स्टेट में है आपका, आंध्र प्रदेश। किस स्टेट में? आंध्र प्रदेश में। ठीक है भाई, आंध्र प्रदेश के साथ साथ यह क्या था, जैसे अब बात की जाती है, इसको क्या किया गया था, गहरा किया गया था, यानी कि यह भी क्या है, एक कृत्रिम में क्यों है, किसको इसमें गहराई की गई थी, इसकी गहराई और क्या किया गया था, इसको बढ़ाया गया था। ये तेल व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। जो विशाखापट्टनम में आपका क्या है, पोर्ट है, यह तेल व्यापार के लिए प्रसिद्ध, पढ़ा होगा तेल व्यापार के लिए, जैसे कि हम क्यों बता रहे हैं इसको विशाखापट्टनम को तेल व्यापार के लिए प्रसिद्ध, क्योंकि ये उड़ीसा असम वगैरह ये कहाँ पड़ते हैं, पश्चिमी घाट में पड़ते हैं ना भाई, सॉरी पूर्वी घाट में पड़ते हैं, तो हम बात कर रहे हैं ईस्ट की बात कर रहे हैं, तो ये किसके लिए फेमस है आपका, तेल व्यापार यानी कि ऑयल ट्रेड के लिए क्या है, फेमस है। ठीक है, और कोई इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे कि आपने सुना होगा ना स्वेज नहर के बारे में, सुना है ना, इसी प्रकार की बात कर रहा मैं, अब उसको भी क्या किया गया था, गहरा किया गया था, ताकि वहां पर क्या हो सके, एक्सपोर्ट, नहीं तो पता चले इतना आपको घूम के जाना पड़ता वहां पर, उसे देखना उसकी इकोनॉमी कितनी अच्छी होगी वहां के। यहाँ जहाजों की मरम्मत कार्य निर्माण, ये भी लिख लीजिए इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जहाजों का यहाँ पर निर्माण भी होता है और यहाँ पर जहाजों की मरम्मत भी होती है, ये भी पॉइंट लिख लीजिए, जहाजों का मेंटेनेंस का भी काम होता है कार्य, और यहाँ पर क्या होता है, जहाज का निर्माण, नई जहाज भी बनाई जाती है यहाँ पर। इतने पॉइंट्स हमें किसमें रखने, विशाखापट्टनम वाले में रखने हैं। स्टेट की बात करें तो हम आंध्र प्रदेश। ठीक है भाई, एक और छोटा सा इसमें आपका पारादीप, कौन सा है, पारादीप, पारादीप। ठीक है भाई, अब पारादीप में थोड़ा सा ये देखते हैं, उड़ीसा किसमें है, उड़ीसा स्टेट में है, ये आपका बारह मासी बोल सकते हैं, यानी कि बारह महीना खुले रहता है, यानी कि ये ऑलवेज बारह माह बोल सकते हैं, या फिर हर मौसम में क्या है, पारादीप की जो बात कर रहे हैं हम, स्टेट का नाम बताएं तो उड़ीसा में है। अभी इसकी बात की जाती है बारह माह, यानी बोला तो हर मौसम में ये क्या रहता है, खुला रहता है। और हम इसमें जैसे कि इसमें सबसे ज्यादा खनिजों का क्या किया जाता है, व्यापार किया जाता है, खनिजों का सबसे ज्यादा व्यापार। ठीक है भाई, खनिजों का सबसे ज्यादा व्यापार किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसके पीछे रीजन है, क्योंकि हम पढ़ते हैं एक छोटा नागपुर का पठार पढ़ते हैं, छोटा नागपुर प्लेटू पढ़ते हैं, छोटा नागपुर का प्लेटू में क्या पढ़ते हैं, इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, यहाँ पर कौन कौन से स्टेट है, जैसे कि झारखंड हो गया आपका, प्लस उड़ीसा, प्लस छत्तीसगढ़, ये हुए या नहीं, इसलिए इसमें क्या किसका व्यापार की बात कर रहे हैं, हम खनिजों के व्यापार की बात कर रहे हैं, यानी कि खनिजों का व्यापार यहाँ पर सबसे अधिक होता है। तो ये किसके बारे में देख लिया हमने विशेषताएं, पारादीप के बारे में। इसी प्रकार से नेक्स्ट लिखें कोलकाता, कोलकाता से पहले एक और लिखेंगे हम, हाँ कोलकाता ही आ जाएगा लास्ट में, छठवा कौन सा है, कोलकाता,
कोलकाता की मैं बात करूँ, कोलकाता किस राष्ट्र स्टेट में है? पश्चिम बंगाल। ठीक है भाई, कहाँ पर बना हुआ है, किस स्टेट में ये? पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल की बात की जाती है। कोलकाता की मैं बात करूँ, इसमें ये जो बंदरगाह बना हुआ है हुगली नदी पर, कौन सी नदी है? हुगली नदी। अब बताएं मुझे, मैंने हुगली नदी आपको कहाँ कनेक्ट करके बताई थी? नहीं, कल मैंने आपको बताया था ना नेशनल वाटरवे में, फर्स्ट वाले में बताया था। भागीरथी और हुगली, इसी प्रकार से। ठीक है, ये पॉइंट लिख लिया आपने। एक और पॉइंट लिखिए इसको कि पूर्व की बात करें, पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? कोलकाता पोर्ट्स को कहा जाता है। प्रवेश द्वार। ठीक देवेंद्र, समझ में आया? क्या पढ़ रहे हैं हम? कोलकाता पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अगर रिवर की बात करें तो हुगली नदी, अगर मैं बात करूं यहाँ पर प्रवेश द्वार कौन सी बात कर रहे हैं, पूर्व, तो कौन सा है आपका? कोलकाता। यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको पीछे दोहराता हूँ कि हमने पढ़ा था भाई कि पश्चिम का प्रवेश द्वार बोले तो भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता था? मुंबई पोर्ट्स को। इसी प्रकार से दक्षिण प्रवेश द्वार की बात करें तो चेन्नई। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पूर्वी कोलकाता, उत्तर का कोई होगा क्या? नहीं हुआ, क्योंकि उत्तर में किससे टच हो रहा है? लैंड से टच हो रहा है, भूमि से टच हो रहा है। ठीक है भाई, तो ये कोलकाता वाला समझ में आया सभी को? नेक्स्ट एक और बच जाता है आपका, कौन सा? सातवां बोल सकते हैं, नहीं सातवां नहीं, इसको डायरेक्ट तेरहवां बोलेंगे। पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? पोर्ट ब्लेयर की बात कर रहे हैं। अब मुझे बताएं अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर में। सभी को याद है ना, तो इसे याद रख लेंगे हम, है ना? तो लिखें ये कहाँ है, अंडमान निकोबार में। ठीक है भाई, अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर क्या आपका? पोर्ट से। दूसरी बात, 2010 में क्या है, 2010 में इसको क्या बनाया गया था? इंटरनेशनल पोर्ट्स बनाया गया है, यानी कि 13 जो आपके अंतर्राष्ट्रीय क्या है बंदरगाह, उसमें शामिल किया गया था इसको, कब? 2010 में। ठीक है भाई, इसके अलावा यह एक नवीन बंदरगाह है, इसको 13 में से, सॉरी, यह 13वां बंदरगाह है। क्लियर समझ में आ रहा है यहां तक? क्या कह रहा है वो? पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह की बात कर रहे हैं तो ये किस केंद्र शासित प्रदेश में, यूनियन टेरिटरी में? अंडमान निकोबार में। और मैं बात करूं यहाँ पर कि भाई इसको 13 बंदरगाहों में कब शामिल किया गया था? वो 2010 में। ठीक है, अब इसको क्या बोलेंगे हम? नवीन बंदरगाह बोलेंगे। क्यों बोलेंगे नवीन बंदरगाह? क्योंकि इसी को सबसे लास्ट में ऐड किया गया था 13 में, है ना? तो इस प्रकार से हमने अभी तक क्या देखा था, 13 जो 13 बंदरगाह है उनको डिटेल से हमने थोड़ा देख लिया था। अब आगे के हमें बड़े छोटे छोटे पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आया सभी को? ओके, हाँ बिल्कुल, 2010 में। सचिन क्या पूछ रहे हो? तो उसको जोड़ा गया था ना,
यानी कि पहले था लेकिन इतना बड़ा नहीं था, लेकिन 13वां जब बना 2010 में अंतर्राष्ट्रीय में शामिल कर लिया गया उसको, है ना। कोलकाता बंदरगाह में किसका व्यापार होता है? कोई देखो स्पेशली तो इसमें नहीं दिया हुआ था, फैक्ट मैंने देखा था उसमें, लेकिन बोल सकते हैं वहाँ पर जैसे कि पास में जो खनिज बोल सकते हैं आप, जो वहाँ पर क्या होता है प्रोडक्ट का उत्पादन होता है तो उसी का सबसे ज्यादा होगा, है ना। लेकिन जैसे स्पेशली उसमें दिया हुआ है ना कुछ समय, तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है भाई, यहाँ पर थोड़ा सा आ जाए, 5 मिनट में इसको मैं ब्रीफ करता हूँ, फिर नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे हम, है ना। क्या बोल रहे हैं हम कि बंदरगाह की डेफिनेशन बताया था मैंने आपको कि भारतीय परिवहन में ये क्या है, नींव का काम करता है बंदरगाह। अगर पूरी क्लास में सो रहे हो आप 5 मिनट के लिए जाग जाओगे तब भी काम चल जाएगा, है ना। क्या बोल रहा है मैंने, बंदरगाह क्या होता है, बंदरगाह यानी कि भारतीय परिवहन की बात करते हैं तो उसमें एक नींव का काम करता है ना। दूसरा मैंने बताया था उसमें भारत में बंदरगाह कितने टोटल 200, जिसमें से बड़े कितने हैं 13। एनर्जी नहीं आप में निशा, एनर्जी नहीं है। सभी कुर्सी से अपने बोल सकते हैं पीठ को टिका कर नहीं बैठे, आलस ना लाए, है ना, समझ पा रहे हैं ना। चलिए 200 हैं टोटल, जिसमें से बड़े कितने हैं 13, क्लियर है यहाँ तक। कितने स्टेट में हैं 13 स्टेट में, जिसमें से केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों आ जाएंगे। जिसमें से मुझे बताएं पूर्वी घाट में कितने हैं 6, पश्चिमी घाट में कितने हैं 1, कहाँ पर है ओके। ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें 3 बंदरगाह हैं, तमिलनाडु। ऐसा कौन सा बंदरगाह है जिसमें, सॉरी, ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें 2 बंदरगाह हैं, महाराष्ट्र। क्लियर है यहाँ तक ओके। फिर हमने क्या किया था, इसको देख रेख के लिए रख रखाव के लिए कोई मिनिस्ट्री है, कौन सी है, जहाज रानी मंत्रालय ओके। जहाज रानी मंत्रालय को क्या किया गया था, नाम बदल दिया गया था, बोले तो नाम नहीं सॉरी, इसके कार्य को दूसरे मिनिस्टर को सौंप दिया गया था कम करने के लिए। वो एक और मैं नोट कराऊंगा इसको, लेकिन इसको नाम परिवर्तन करके क्या किया गया था, पोर्ट पतन परिवहन और जल मंत्रालय, जिसका हेडक्वार्टर नोएडा था, है ना। इसके बाद में मैंने देखा था भाई पश्चिमी घाट के और पूर्वी घाट के, देखे पश्चिमी घाट से देखे ऊपर से नीचे चलते हैं अपन, पहला कौन सा है आपका, कांडला। कांडला किस स्टेट में, गुजरात। नीचे आए हम महाराष्ट्र, दो पढ़ते हैं मुंबई और एक नवा सेवा। मुंबई के बाद में गोवा, इसमें पढ़ते हैं मार। गोवा के नीचे कर्नाटक, कर्नाटक में मंगलोर। कर्नाटक के नीचे आते हैं हम कोची, किस स्टेट में, केरल में। इसी प्रकार से तमिलनाडु में कितने हैं 3, चेन्नई, एन्नोर और एक और है आपका टूटीकोरम, बिल्कुल सबसे नीचे वो, इसमें मैंने बना दिया इसमें, है ना। टूटीकोरम सबसे नीचे, इसलिए मैंने लिखाया भी होगा आपको, टूटीकोरम सबसे दक्षिण पूर्व का क्या है, एयर पोर्ट है ना, ये नोट भी कराया। इसके ऊपर चलते हैं उड़ीसा में, कौन सा है उड़ीसा, इसमें कौन सा है विशाखापट्टनम। उड़ीसा में कौन सा है ओके, उड़ीसा के ऊपर कोलकाता। इस प्रकार से हमारे 6 हो गए थे। चलिए अंडमान निकोबार, है ना, उसको भी नहीं भूल सकते भाई। फिर मैंने बताया था भाई कि हमने एक एक से डिटेल्स जाना उसके बारे में। पहला हमने पढ़ा कांडला, अब इसमें क्या देखा था, किस स्टेट में, गुजरात। या गुजरात में, गुजरात के अलावा देखा था मैंने ये कौन सा है, एक ज्वारी बंदरगाह। सबसे ज़्यादा यहाँ पर किसका ट्रेड होता है, नमक। यहाँ से मुफ्त में व्यापार होता है या नहीं, यहाँ राजमार्ग, सॉरी यह किस स्टेट के पास में है, राजस्थान के में। दूसरी कंडीशन मैंने क्या बताया इसे, इसमें इसको रहने दीजिए, इसको तो मैंने एक्स्ट्रा बताया था आपको, है ना। ऐसा कौन सा बंदरगाह है जो आर्टिफिशियल है, चेन्नई, उसके बाद विशाखापट्टनम, उसके बाद में बस ओके। हम पढ़ रहे हैं अब मुंबई बंदरगाह। अब बताएं मुझे
मुंबई बंदरगाह में मैंने बताया था यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है, इसे भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, यही पढ़ा था ना। इसके अलावा और पॉइंट लगाया था मैंने इसमें, भारत का प्रवेश द्वार, इसमें व्यापार कितना होता है 20%। इसकी मदद के लिए कौन सा बंदरगाह बनाया गया।